आप लोग कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो सब बढ़िया। आज हम लोग जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, ठीक है? जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं जो 2022 में बोर्ड का परीक्षा देने वाले हो, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ना पूरे अंत तक देखोगे, क्योंकि आज जितने भी हम प्रश्न बतलाएंगे वो सारे प्रश्न जो है 2022 के लिए वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 100% गारंटी वाला प्रश्न है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखोगे बाबू। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपका है, बेके लाइट किसका उदाहरण है? बेके लाइट जो है ना किसका उदाहरण है? तो याद रखना, बेके लाइट जो है ना थार्मोसेटिंग का उदाहरण है। बेके लाइट किसका उदाहरण है? थार्मोसेटिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप जितने क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। वीडियो को अंत तक देखोगे, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 2022 के लिए वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है? 100% गारंटी वाला प्रश्न है और बोर्ड मॉडल प्रश्न है, ठीक है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अम्ल का आईपीएसी नाम, सॉरी ऑक्सीजेनिक अम्ल का आईपीएसी नाम आपको बतलाना है। ऑक्सैलिक अम्ल का आईपीएसी नाम, तो ऑक्सैलिक अम्ल का आईपीएसी नाम जो है बाबू आपका होता है एथेन डाई ओइक अम्ल। एथेन डाई ओइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का आईपीएसी नाम जो है ना एथेन डाई ओइक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण होता है, ठीक है? रासायनिक अधिशोषण होता है, ये जो है ना अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण, आप इसका आंसर याद रखना, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है? आपका रासायनिक अधिशोषण जो है कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क है, तो आप लोग को पता है कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट, ठीक है? याद रखोगे, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो ये आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, हो जाएगा ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है तैयार ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PCl5 है एक क्या? ऑक्सीकारक है, याद रखना, PCl5 एक ऑक्सीकारक है। क्या हो जाएगा आंसर? PCl5 है एक ऑक्सीकारक, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, वर्ग तलीय। इनका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग तलीय। XeF4 का आकार जो है ना बाबू वर्ग तलीय होता है। आज ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी वाला प्रश्न है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2022 में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। अगला क्वेश्चन आपका है, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी इस कंपाउंड में Ni की ऑक्सीकरण संख्या बतलाना है, तो आप लोग बना सकते हो। Ni का बनाना है तो Ni X हो जाएगा, प्लस CO कितना है? 4, CO का चार्ज 0, इक्वल टू नेट चार्ज कुछ नहीं है, 0, तो बनाओगे तो हो जाएगा 0, यानी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। इस कंपाउंड में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। इसको कंप्लीट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका है, CO CH3 का आईपीएसी नाम बतलाना है। 1, 2, 3, तीन कार्बन को आप प्रोप बोलते हो, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है, तो ऑन को आप जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, ठीक है? 1, 2, 3, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को आप प्रोप बोलते हो, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एन को जोड़ देना है, उसके बाद कौन सा फैंसलन ग्रुप है? कीटोन है, तो कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ऑन होता है, तो ऑन। अब तीनों को एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोप। एन को जोड़ोगे तो प्रोपेन, ऑन को जोड़ोगे तो प्रोपेनॉन। इनका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। इनको आप क्या कर लोगे? कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पी ऑर्बिटल का आकार जो है ना कैसा होता है? डम्बेल। क्या होता है? डम्बेल। पी ऑर्बिटल का आकार जो है ना बाबू क्या होता है? डम्बेल। याद रखना, कोई पूछे कि पी ऑर्बिटल का आकार जो है होता है कैसा? डम्बेल। कैसा?
डम्बेल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या है, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या है आपको बतलाना है। तो बेंजीन का आप जानते हो संरचना ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बेंजीन का संरचना हो गया। तो यहाँ पे एक पाई है, एक यहाँ पे पाई है, एक यहाँ पे पाई है। तो बेंजीन में पाई बॉन्ड्स की संख्या जो है ना, थ्री, याद रखना कितना होता है, तीन होता है, एक दो तीन, यानी बेंजीन में पाई बॉन्ड्स की संख्या कितना, तीन, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, तो टोटल कितना पाई, तीन पाई। तो बेंजीन में पाई बॉन्ड्स की संख्या कितना, तीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है तो क्या है, अपरूप है, ये एक दूसरे का क्या है, अपरूप है, आंसर क्या हो जाएगा, अपरूप। उजला और पीला फास्फोरस है, अपरूप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सिनेबार है, यानी सिनेबार किसको बोलते हैं, एच जी एस, ये सिनेबार का फॉर्मूला है, एच जी एस, ठीक है। तो सिनेबार एच जी एस को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर है तो जल में, आंसर, जल में CO2 गैस का विलयन सोडा वाटर कहलाता है। जल में CO2 गैस का विलयन जो है ना, सोडा वाटर के नाम से जाना जाता है, जल में CO2 गैस का विलयन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, फ्रक्टोज का सूत्र, तो सबको पता है C6H12O6, ये आपका फ्रक्टोज का सूत्र हुआ, ये आपका फ्रक्टोज का सूत्र है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है ना, वो तो वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, ठीक है, तो संश्लेषित रबड़, संश्लेषित रबड़, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है ना, संश्लेषित रबड़ है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है आपका संश्लेषित रबड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जबर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, जबर मतलब बुखार को कम कर, जबर मतलब बुखार होता है, बुखार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो जवरनाशी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जवरनाशी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। जबर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, जवरनाशी कहते हैं। इस यौगिक का नाम क्या है आपको बतलाना है, इस यौगिक का नाम क्या है। तो बेंजीन में आप ओ एच समूह को देख रहे हो, यानी ये आपका फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल। इस यौगिक का नाम क्या है, फिनॉल, इस यौगिक का नाम क्या है, फिनॉल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र आपको बतलाना है। तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र सबको पता है यार क्या हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र आप लोग को बतलाना है, हो जाएगा आपका CH3CN, ठीक है। HCOOH का IPAC नाम तो सबको पता है, ये आपका क्या हो जाएगा, IPAC नाम, तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल, इनका आईपीसी नाम हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। चलिए एमाइड जो है ना, ये आपका, और ये भी आपका मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र CH3CN, और आपका जो है अगला क्वेश्चन क्या है, HCOOH का IPAC नाम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो मिथेनोइक हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAl4 से अकृत होकर देता है, क्या देता है, एमाइड जो है LiAl4 से अकृत होकर क्या देता है पता है, तो एल्किल एमीन देता है, इसका आंसर हो जाएगा एल्किल, एल्किल एमीन, क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। इन तीनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लोगे, ये तीनों क्वेश्चन भी वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लिसरॉल है, ठीक है, क्वेश्चन जो है देखिए ग्लिसरॉल है, फिर एक क्वेश्चन है लोहे का मुख्य अयस्क बतलाना है आपको, रवा कितने प्रकार के होते हैं ये भी बतलाना है, तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ग्लिसरॉल है सबको पता है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, तो क्या लिखोगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। लोहे का मुख्य अयस्क है सबको पता है, हेमेटाइट, 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 लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, हेमेटाइट। रवा कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट करोगे। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं, यार सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर कंप्लीट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, इस बात को आप याद रखोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथीन बहुलीकृत होकर बनाता है, एथीन जो है ना बहुलीकृत होकर बनाता है, पॉलीथीन बनाता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए हम लिख ही देते हैं, जब फिनॉल को जस्ता चूरने के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, फिनॉल को जस्ता चूरने के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा, बेंजीन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 मस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है, फॉस्जीन देता है। क्लोरोफॉर्म जो है ना ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके भगुआ, याद रखना फॉस्जीन देता है। वही अगला क्वेश्चन, क्लोरो एथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है, एथेनेमीन देता है, एथेनेमीन देता है, एथेनेमीन देता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एस थ्री पीओ थ्री है एक क्या है, द्विभाषिक अम्ल है। एस थ्री पीओ थ्री जो है एक द्विभाषिक अम्ल है। हीलियम का मुख्य स्रोत सबको पता है मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बाबू, मोनाजाइट। और दर्द निवारण की दवाइयां को आप क्या कहते हो, एनालजेसिक कहते हो, एनालजेसिक, ठीक है। तो दर्द निवारण की दवाइयां एनालजेसिक। ओलोन है एक एक्रिलोनाइट्राइल का, एलोन एक एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा इनका। क्लोरल क्लोरल का सूत्र जो है CCl3CHO, CCl3 क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। सल्फर 8 में जो है ना सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है बाबू, याद रखना आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। सल्फर 8 में एस की ऑक्सीकरण संख्या जीरो। जिंक है एक क्या है, संक्रमण तत्व है। जिंक है एक क्या, संक्रमण तत्व, ठीक है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन करा, सारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, बाबू लो वीडियो आप पूरी ईमानदारी से, ठीक है, एक दो बार देख लेना, इन सारे क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कर लेना। 100% गारंटी वाला प्रश्न है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, 2022 में आने वाला प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न है, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन सारे प्रश्नों का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। आज का क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे, धन्यवाद।